सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज ये जो महत्वपूर्ण बैठक आप सभी संकुल के नोडल अधिकारियों के साथ बुलाई गई है और इसमें 2703 संकुल जो छत्तीसगढ़ में है उसमें से अभी कुछ मिनट पहले तक लगभग 500 संकुल समन्वयक जुड़ना शेष थे। तो सुबह से हम लोग देख रहे थे, आप सभी साथी काफी तेजी से अपने आप को जोड़ने में लगे हुए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस जो पढ़ई तुअर द्वार में जिला स्तरीय नोडल अधिकारी 2 दिन पहले ही चयन हुए हैं, उन्होंने तुरंत विकास खंड स्तरीय नोडल अधिकारियों का चयन किया और विकास खंड स्तरीय नोडल अधिकारियों के माध्यम से सभी संकुल स्तरीय नोडल अधिकारियों का चयन अभी हुआ है। इस तरह से पूरा एक नेटवर्क राज्य से लेकर यहाँ संकुल तक का बन गया है और एक महत्वपूर्ण कार्य इसके माध्यम से संपन्न होना है, इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। हमारे साथ में माननीय जितेंद्र शुक्ला जी, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, संचालक समग्र शिक्षा एवं संचालक SCRT हमारे साथ में उपस्थित है और हम सभी को उनका मार्गदर्शन मिलेगा इस कार्यक्रम के बारे में। शुरुआत में मैं बता दूं आपको कि आप सभी ने काफी अच्छा इस योजना में काम किया है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, इतने कम समय में इतने अधिक, अभी यदि आप देखेंगे तो लगभग इस कार्यक्रम में 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन हो गया है और 1.52 लाख शिक्षक इस वेबसाइट से पंजीकृत हो गए हैं और इतने कम समय में 10 दिनों के अंदर ही काफी ज्यादा लोगों ने इस वेबसाइट का उपयोग किया है। और हाल में जो परिस्थितियां कोरोना के कारण बनी है, इसमें हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और हम लोगों ने इसमें 100% उपयोग का भी लक्ष्य नहीं रखा है। केवल ऐसे विद्यार्थी जिनके पालकों के पास स्मार्टफोन है वे ही इसका इस्तेमाल अभी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके लिए हम लोग विकल्प ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। तो हमारे बीच में जैसा मैंने बताया कि आदरणीय जितेंद्र शुक्ला जी हैं, NIC से श्री सोम सर हैं जो पूरा टेक्निकल सपोर्ट इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं, श्री सत्या है जो कि सलाहकार है और इस योजना में काफी दिनों से वो विभिन्न शिक्षकों के साथ मिलकर अब तक पाठ प्रस्तुतिकरण का काम कर रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम में पर्दे के पीछे से जो टेक्निकल चीजें करना है वो उसमें श्री अजय हैं। तो हम सभी मिलकर इस छोटे सी बैठक में आप सभी के साथ जो कार्य हम लोगों को आगे 1-2 दिनों में करना है उसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आदरणीय जितेंद्र शुक्ला जी से कि वो अपने मार्गदर्शन से हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। आदरणीय सर। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? कृपया आ रही है तो कृपया हाथ उठा देंगे। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? कृपया हाथ उठा देंगे। थैंक यू। जितेंद्र शुक्ला सर शायद कॉल में हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगा सर से कि वो हमें इस कार्यक्रम के बारे में मार्गदर्शन देकर अनुग्रहित करें। मैं एक बात, जब तक वो जुड़ नहीं जाते, मैं एक बात और महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहूंगा। ये योजना आप जैसा आप सभी जानते हैं बहुत कम समय में
तैयार हुई है और इसमें बहुत छोटी सी टीम ने। सर, सर का माइक शायद अभी चल रहा है सर, एक बार देख लेंगे। हाँ सुदेश, मैं हूँ लाइन पे। जी सर, नमस्कार सर, आपसे अनुरोध है सर कि आप हमारे लगभग 500 साथी जुड़ चुके हैं और इस बैठक में ओके okay. 500 की ही सीमा है, तो बाकी लोग शायद अभी बाहर वेटिंग में है क्योंकि 500 से हाँ, ज्यादा वेटिंग हम रूम ले पे नहीं मुझे दिख रहे सकते। हैं। जी, तो जी सर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे साथियों को इस कार्यक्रम के बारे में मार्गदर्शन दें सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कुछ चीजें मैं पहले बात कर लेता हूँ दोस्तों के साथ में, उसके बाद मैं फिर आप आगे की बातें आप करेंगे। मैं सबसे पहले, काफी लोगों से परिचय नहीं है, मैं आप सभी लोगों का परिचय देना चाहूंगा। मैं जितेंद्र शुक्ला हूँ, DPI हूँ और इसके साथ SCERT का समग्र शिक्षा का MD हूँ और आप सभी मेरी टीम के मेंबर्स हैं। सबसे पहले मैं जो पढ़ई तुहर दुआर, ये जो बहुत बड़ी योजना हम लोगों ने पिछले 7 तारीख को लॉन्च की है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से, उस स्कीम के बारे में आप सब लोग तो बुनियादी तौर पे जान ही गए होंगे, पर थोड़ा मैं इस पे और हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, जब अभी कोरोना का संकट आया था, कोरोना संकट आने के कारण पे स्कूल्स हम लोगों ने पिछले महीने की 12 तारीख को बंद कर दिए थे, आनन फानन में हुआ था। इस संकट के बाद में कुछ ऐसे विचार आए कि अब क्या होगा, बच्चे हैं, बच्चों को घर पे रहना पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, फिर आगे चल के लंबा चलने पर बच्चों को जनरल प्रमोशन देना पड़ा, ये सभी चीजें आप लोगों को पता है। ये विचार है कि जो बच्चे हैं, जो आगामी पीढ़ी के लोग हैं, इनको स्कूल बंद होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो इसके लिए एक योजना बनाई जाए जिससे बच्चों को पढ़ाई उनके द्वार पे, यानी डोर स्टेप पे, उन तक खुद पढ़ाई पहुंच जाए। बेसिकली इसी छोटी सी सोच के साथ में इस बहुत बड़ी योजना को चालू किया गया था और सबसे पहले मैं अपने प्रदेश के शिक्षा विभाग के सभी साथियों को, जो यहाँ 500 जुड़े हैं उनको, और जो आप लोगों के माध्यम से सभी को ये संदेश देंगे, तो मैं सभी को बहुत 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 ज्यादा बधाई देना चाहूंगा कि ये जो योजना है ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। आज की स्थिति में 14 लाख से ज्यादा बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षक साथी हमारे इससे जुड़े हुए हैं। इस योजना की पॉपुलैरिटी और इसके महत्व को आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 दिन के अंदर में, यदि आप इसके साइट्स को देख रहे होंगे, तो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं उसकी संख्या 26 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। तो इससे आप ये जान सकते हैं कि कितना पॉपुलर। कुछ लोगों को शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। सुधीश, जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर आवाज। हाँ ओके, कुछ लोगों ने मैसेज किया था तो मुझे लगा आप, जिनको आवाज नहीं पहुंच रही है उनसे अनुरोध है कि आप अपने सेटिंग पे, कंट्रोल पे वॉइस को ऑन कर लेंगे, उससे आवाज आप तक पहुंचेगी। तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, सभी पालकों को, उनके बच्चों को और उन सबसे ज्यादा हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको। दोस्तों, ये जो योजना है, इस योजना के पीछे जो लॉजिक था, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि पढ़ाई आप तक, यानी बच्चों तक पहुंचे, और बच्चों तक पहुंचने का जो माध्यम है वो शिक्षक ही होते हैं, शिक्षक ही होते हैं। तो ये जो डोमेन बना है cgschool.in, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कम से कम एक बार और कईयों ने तो कई बार इस साइट को विजिट किया होगा। इस साइट पे आप जैसे ही जाते हैं तो कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, इसको आप सभी जानते हैं। वहां पे जब आप जानते हैं तो होम है, मेनू है, उसके बाद में शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है और उसके साथ साथ में जो बच्चे हैं उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। जो शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, उसमें जैसे ही आप उस विंडो को, उसको क्लिक करते हैं, उस पेज को, उसमें आपसे कुछ छोटी छोटी जानकारियां पूछ ली जाती हैं, जिसमें आप कहाँ पोस्टेड हैं, किस जिले में हैं, कितने वर्षों का अनुभव है, कुछ छोटे छोटे फील्ड्स हैं। इस फील्ड के साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये पूरा होता है, आप सभी अवगत हैं। बट मैं ज्यादा कंसर्न हूँ बच्चों के लिए। बच्चों का रजिस्ट्रेशन, अभी हमारे प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, अभी हम 14 लाख लोगों तक ही इस पहुंच को हम बना पाए हैं। बच्चों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक जो चीज है जिसको आप सभी को
क्लियर होना चाहिए, और आपके साथ साथ में जो नीचे अधीनस्थ आपके संकुल के शिक्षक हैं उनको क्लियर होना चाहिए। और वह बात यह है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन एक मोबाइल नंबर के थ्रू होता है, मोबाइल नंबर जैसे ही वो उसमें डालते हैं उसके बाद नाम आ जाता है, नाम में किस जिले के हैं, ईमेल एड्रेस, छोटी छोटी चार पांच जानकारियां पूछ ली जाती हैं और एक ओटीपी आता है, फिर बच्चे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इस रजिस्ट्रेशन में एक चीज आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि यदि एक घर में किसी पालक के दो या तीन बच्चे हैं जो अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो उनको यदि एक ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो भी जो उनके बच्चे हैं वो सभी इस कंटेंट को, ये जो हमारा साइट है, इसके किसी भी क्लास को हिट कर सकते हैं, वहां तक एक्सेस कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कई क्वेरीज यदि किसी के मन में ये आ रही हो कि यदि एक घर में मोबाइल एक है बट बच्चे तीन हैं, चार हैं, दो हैं, ज्यादा हैं, तो क्या करेंगे, तो इसका समाधान यही है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है मोबाइल, किसी भी क्लास के स्टडी मटेरियल तक पहुंचने के लिए मोबाइल कंपलसरी है, बट किसी एक बच्चे के लिए एक ही मोबाइल नंबर चाहिए ऐसी आवश्यकता नहीं है, एक मोबाइल नंबर से एक घर के अनेक बच्चे भी एक्सेस कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो मैं फिर से आता हूँ बेसिक्स पे, मैं आप सभी को फिर से बधाई देते हुए इस बात को बताना चाहूंगा कि ये जो साइट है, साइट को बनाने में बहुत ज्यादा हमारे दोस्तों ने, साथियों ने मेहनत की है, हमारे प्रमुख सचिव महोदय के नेतृत्व में एक बड़ी टीम लगातार इस पे काम करती रही। आप साइट के अंदर जब जाते हैं तो अलग अलग जो क्लासेस है उन क्लासेस के स्टडी मटेरियल्स उसमें आपको दिखते हैं। हम अधिकांश जो क्लासेस हैं उनके जो पाठ्य पुस्तक है उनको भी हमने अपलोड करने में सफलता हासिल कर ली है, और जो बचे हुए पाठ्य पुस्तक है उनको भी शीघ्र ही हम इस पे अपलोड कर देंगे। तो जो बुक्स हैं वो बुक्स सभी बच्चों के लिए साइट पे उपलब्ध रहेगी, इरिस्पेक्टिव उनके पास में खुद के हाथों में किताब है या नहीं, उनके हाथों में खुद किताब है या नहीं। खुद किताब है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये जो बुक्स हैं ये डाउनलोड करके पेज पे सब पे वो स्टडी मटेरियल ग्रुप में इसको पढ़ सकते हैं, अलग अलग क्लासेस की किताबें इसमें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। किताबों के आगे में भी आप देखते हैं तो इसमें कुछ चीजें और हैं, वीडियोस हैं जो हमारे शिक्षकों के द्वारा इस पे अपलोड किया गया है, ये सभी कोर्स मटेरियल से रिलेटेड है, वो बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए उपलब्ध है। ऑडियो मटेरियल्स है और कुछ जो इनोवेटिव चीजें हैं, ये सभी चीजें मतलब अलग अलग खेल खेल में पढ़ाई, ये सभी चीजें इस पे अलग अलग जगहों पे स्टोर की गई हैं जिनका लोग लाभ ले सकते हैं। अब इस स्टेप के आगे मैं जाता हूँ तो पहले मैं ये बता दूं कि जो शिक्षक गण हैं जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख है जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ये सभी शिक्षक और जो शिक्षक अभी इसमें रजिस्टर्ड नहीं हुए उन सभी को रजिस्टर करने की जो प्रक्रिया है वो आप शीघ्र पूरा कर लेंगे, ये आप सभी से अनुरोध है। इसके बियॉन्ड यदि हम आगे जाते हैं तो शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन के बाद में हमारे जो शिक्षक साथी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाना जानते हैं, उनकी बहुत अच्छी काबिलियत है, उनके पढ़ाने का तरीका अनूठा है, उससे बच्चे बहुत जल्दी और अच्छे से सीख पाते हैं, उन सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्तर पे ऑडियो वीडियो फाइल्स जो 50 MB तक की हो सकती है इसको प्रिपेयर करके इस पे अपलोड करें। जो शिक्षक रजिस्टर्ड हैं उनको अपलोड करने की फैसिलिटी हम लोगों ने दी हुई है। कंटेंट अच्छा होगा तो यहाँ एक स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी उसको देखेगी, देखने के बाद में कंटेंट अच्छा है तो उसको अलाउ करेगी, अलाउ करने पर ये हमारे मेन पोर्टल में सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को टोक करके इस चीज को स्पष्ट बताना चाहूंगा कि कुछ शिक्षक साथियों ने अलग अलग जो इरिलेवेंट बिना उपयोगी लिंक्स को अपलोड करने की कोशिश की है, जिनकी संख्या गिनी चुनी है, कुछ लोगों ने गाने और कुछ लोगों ने बाकी चीजें डाली हैं, ये सभी के आईपी एड्रेस हमारे पास में है। मैं आप सभी के मार्फत सभी को चेतावनी भी देना चाहूंगा कि सिवाय पढ़ाई के मटेरियल के कोई भी फालतू चीजें इसमें अपलोड ना की जाएं। यदि अपलोड किसी ने किया तो इसका सीधा सीधा फिजिकल एविडेंस हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास में है, फिर आप ये मत बोलिएगा कि आपको हमने पहले से सूचना नहीं दी।
प्योरली ये साइट पढ़ाई से रिलेटेड है, पढ़ाई से संबंधित सामग्री ही इसमें आप अपलोड करेंगे, उसके बियॉन्ड गलती से भी, कई लोग ये बोल सकते हैं कि गलती से हमने टच किया हो गया, ये चीजें फालतू बातें होंगी, ये अलाउड नहीं होंगी, मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहूंगा। तो मैं आता हूं कि आप अपने इनोवेटिव पढ़ाने के तरीकों को इसमें अपलोड कर सकते हैं, करने के बाद में बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगा। अब बात आती है कि आज आप सभी से रूबरू होने या संकुल लेवल पे एडमिन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक है कि संकुल व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी। आप सभी को पता है कि संकुल व्यवस्था का आशय ये है कि हमारे प्रदेश में स्कूलों की संख्या इतनी ज्यादा है, प्राइवेट स्कूल सब करके 55-56 हजार है, शासकीय स्कूल भी 48 हजार से ऊपर है। इन सभी स्कूलों की मॉनिटरिंग ना तो प्रमुख सचिव कर सकते, ना DPI कर सकता, ना JD कर सकता, ना DD कर सकता, ना DO कर सकता। तो इसलिए BO की व्यवस्था हुई, BO के नीचे संकुल बनाए, एक एक संकुल में 15-20-25 तक के स्कूलों को क्लब किया गया ताकि उन स्कूलों पे चल रही व्यवस्था को सही तरीके से मॉनिटर किया जा सके। यही संकुल व्यवस्था की उत्पत्ति का बेसिक लॉजिक रहा था। वही लॉजिक यहाँ पर भी आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में सभी स्कूल के बच्चों को हमें जोड़ना है तो यह तय बात है कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। इसलिए हमने DOs को एडमिन बनाया, DOs के नीचे में BOs एडमिन बने। अब संकुल लेवल पे आप सभी एडमिन बनने जा रहे हैं, आप सभी को यह सुनिश्चित करना है, ध्यान देंगे, आप सभी को यह सुनिश्चित करना है कि आपके संकुल के अधीनस्थ आने वाले तमाम स्कूल, इसमें क्लियर कर दूं कि यदि संकुल व्यवस्था में आप हाई स्कूल पे नियंत्रण नहीं रखते, वो भी नहीं, इस व्यवस्था के लिए, पढ़ाई तुहर द्वार के लिए आप सभी स्कूलों के प्राचार्य से भी संवाद के लिए उत्तरदायी होंगे। तो मैं बताना चाहता था कि संकुल के अधीन आने वाले तमाम प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएं, उच्चतर माध्यमिक शालाएं, हाई स्कूल जितने हैं, उन सभी के सभी बच्चे और सभी शिक्षक, नोट करेंगे, सभी बच्चे और सभी शिक्षक इस पढ़ाई तुम्हार द्वार cgschool.in से जुड़ेंगे। इसको आपको सुनिश्चित करना है, पहली चीज। तो इसको आप स्कूल वाइज मॉनिटर करके तय कर लें कि सभी के सभी शिक्षक किससे जुड़ जाएं और सभी बच्चे उन स्कूलों के cgschool.in पे रजिस्टर हो जाएं। अब जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो गई, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ साथ में आपने सभी शिक्षकों को जोड़ लिया, तो क्या, एक प्रश्न हो सकता है आपके अंदर में आ रहा हो। इस तो क्या का जवाब मैं देना चाहूंगा। इस तो क्या में जो बेसिक पॉइंट है वह यह है कि सिर्फ बच्चों को जोड़ना, शिक्षकों को जोड़ना इस योजना का उद्देश्य नहीं है। हमको सिर्फ संख्या बढ़ाने या दिखाने की बात नहीं है कि 40 लाख बच्चों का हमने जोड़ दिया, 2 लाख से अधिक शिक्षक भी जुड़ गए, नहीं। जोड़ने के बाद में इस योजना का लाभ नियमित रूप से उन शालाओं के बच्चे ले रहे हैं या नहीं, ये बहुत सख्त मॉनिटरिंग इसकी होनी है और की जानी है। और इस मॉनिटरिंग को करने का उत्तरदायित्व जो संकुल लेवल पे जो संकुल प्रभारी है यह सभी होंगे, इस चीज को नोट कर लें, बल्कि सभी लोग संकुल व्यवस्था के तहत सभी स्कूलों में द्वार योजना का लाभ, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक शिक्षक नियमित रूप से इसका लाभ ले रहे हैं या नहीं, इस चीज को आप लोगों को देखना है। इसका एक्सटेंशन क्या होगा कि अब जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस मॉनिटरिंग का, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए, फर्ज करिए कि माल खरौदा एक ब्लॉक है, मालखोरदा ब्लॉक के अधीन एक कोई संकुल है, उस संकुल में 20-25 स्कूल हैं, उन स्कूलों पे हमें क्या करना है, उस स्कूल में एक, मैं कोई भी स्कूल का नाम लेता हूं कि चलिए अड़भार का एक स्कूल है, हाई स्कूल। अब उस हाई स्कूल में पहली क्लास से लेकर के 12वीं तक के क्लासेस हैं, उन क्लासेस में 12-15-20 जो भी नंबर ऑफ शिक्षक हैं, हर एक क्लास में किसी में 40, किसी में 70, किसी में 90, किसी में 100 बच्चे हैं।
प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक शाला। यहाँ पे आपको यह देखना है कि हर एक क्लास का बच्चा, हर एक क्लास का जो प्रभारी शिक्षक है जिसको आप क्लास टीचर बोलते हैं, कुछ मामलों में विषय का जो विशेषज्ञ भौतिकी पढ़ाने वाला है या गणित पढ़ाने वाला शिक्षक है, तो यदि हम कॉमर्स पढ़ाने वाला है, आर्ट्स पढ़ाने वाला है, आर्ट्स में अलग अलग स्ट्रीम है, हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाला यदि कोई शिक्षक है, एक उदाहरण देना चाहूंगा, उच्चतर माध्यमिक शाला में, और वह 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों क्लासेस के बच्चों को हिंदी पढ़ाने का काम वो करते हैं, तो चार क्लास के सारे बच्चों का वह एक यदि बन जाए तो एक, नहीं तो चार अलग अलग ग्रुप्स उसमें बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? व्हाट्सएप में यह ग्रुप बनाया जाएगा और व्हाट्सएप में बने इस ग्रुप में सारे के सारे बच्चे, उनके अधीनस्थ कक्षाओं के सभी को शामिल करना अनिवार्य होगा। अब ये जो बच्चे अलग अलग क्लासेस के, अब हिंदी का हुआ, फिर इंग्लिश का हुआ, मैथ्स का हुआ, फिजिक्स का हुआ, आर्ट्स के हुए, कॉमर्स के हुए, संस्कृत के हुए, सभी जो जो अलग अलग जितने भी इसके स्ट्रीम्स हैं उन सभी में, इसी तरह से मिडिल स्कूल में भी यही व्यवस्था रहेगी कि सिक्स के बच्चे हैं, सेवन के बच्चे हैं, एट के बच्चे हैं, सिक्स के बच्चों में यदि हिंदी है, इंग्लिश है, विज्ञान है, जो सोशल साइंस है, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, उन सभी के व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उस ग्रुप्स को बनाने की जिम्मेदारी उस क्लास के, उस विषय के पढ़ाने वाले शिक्षक की होगी। तो अब आता है बात कि ये सब मॉनिटर करना है तो आपको नियमित रूप से इसको देखना होगा। दोस्तों, नियमित रूप से देखने के लिए आप इसके लिए एक अलग से व्यवस्था भी बनाएंगे और वहां के जो प्रधान पाठक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी भी ये जिम्मेवारी होगी कि वह यह देखें नियमित रूप से कि सभी के सभी बच्चे इसमें जुड़ गए हैं। अब जुड़ने के बाद में जैसे मैं बताना चाह रहा था कि इस योजना का लाभ सभी को मिले। अब इस योजना का लाभ मिले तो इसके दो तीन अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू है कि इस योजना से संबंधित विषय वस्तु साइट्स पे उपलब्ध है, cgschool.in पे, उसका लाभ लें। कई हमारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको पढ़ाने में उतनी परिपक्वता नहीं है जितना उनके कई दूसरे अच्छे साथी पढ़ा लेते हैं, और ये स्वाभाविक बात है कि सभी लोगों का पढ़ाने का तरीका एक नहीं हो सकता, पढ़ाने का विषय एक हो पर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग होता है। इन शिक्षकों से अनुरोध है कि जिस विषय को पढ़ाते हैं उसके संबंध में जो कंटेंट हमारे साइट पर उपलब्ध है उसको ये देखें। उसको देखेंगे तो कुछ बहुत अच्छे होंगे, उन बहुत अच्छे से ये भी प्रेरणा लें हमारे शिक्षक साथी, उसको नीचे डिलीवर करने में बड़ा आसान होगा, उस तरीके से प्रस्तुतिकरण करने में और अपने को निखारने में उनको ये सहायता मिल पाएगी। तो जैसे ही यह प्रक्रिया होती है तो शिक्षक कंटेंट भी देख रहे हैं, इसके अलावा बच्चों को जो उनके ग्रुप्स में जुड़े हैं उन सभी बच्चों को अलग अलग जो एप्स हैं, मसलन अभी हम जूम में कर रहे हैं, हम दूसरे भी तरीके खोज रहे हैं कि क्या ये हाउस पार्टी या अलग अलग दूसरे ऐप के मार्फत ये हो सकता है, स्काइप या जिससे भी, वो हम आपसे शेयर करेंगे। उन माध्यम से उन बच्चों को वर्चुअल, मतलब जितने बच्चे उनसे जुड़े हैं वो सब वर्चुअल क्लासरूम में कन्वर्ट हो जाएंगे। वर्चुअल क्लासरूम में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे कि जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, आप और हम जुड़े हुए हैं, ऐसी बच्चे और उनके शिक्षक समय समय पे किसी विषय वस्तु को लेकर के नियमित रूप से अपने बच्चों के साथ में, अपने स्टूडेंट के साथ में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में उन विषय का अध्यापन वो कर सकेंगे। अध्यापन करने के साथ में इस व्यवस्था में आगे चल के यह भी चीज होने जा रही है कि बच्चों को आप ऑनलाइन उनको होमवर्क दे सकेंगे, असाइनमेंट दे सकेंगे, और बच्चे उन ऑनलाइन असाइनमेंट्स को सॉल्व करके उसका फोटो खींच के, जैसे सेल्फी लेते हैं बाकी इसी तरह फोटो खींच करके उसको अपलोड कर देंगे, तो यह जो है संबंधित शिक्षक तक पहुंच जाएगा, संबंधित शिक्षक उसकी जांच कर सकेंगे, कोई कमी है बच्चे को उसे बता सकेंगे। तो कुल जमा दोस्तों इस पूरे के पूरे प्रक्रिया और इतनी बड़ी मेहनत का नतीजा यह होगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनको ऐसी विषम परिस्थिति जैसे अभी कोरोना की चल रही है उसमें भी और इसके बाद भी, कहीं शिक्षक कम है
तो कहीं ज्यादा है, तो सभी बच्चों को समग्र रूप से अच्छी पढ़ाई, गुणवत्ता युक्त पढ़ाई प्राप्त करने का, शिक्षा प्राप्त करने का एक समान सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। हमारे शिक्षकों के लिए भी ये जो स्टडी मटेरियल्स हैं और तरीका है, वीडियो ऑडियो फाइल्स हैं, ये उनके लिए प्रशिक्षण का, घर बैठे प्रशिक्षित होने का और पढ़ाने के अच्छे तरीके से रूबरू होने का एक माध्यम बन सकेगा। और उस माध्यम का अंत में लाभ आपको मिलेगा और आपके पढ़ाए हुए बच्चों को मिलेगा। आपको भी गौरव की अनुभूति होगी कि इन शिक्षकों के जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो अच्छे स्तर पे बहुत आगे निकल रहे हैं। तो मेरी ओर से आप सभी को मैं फिर से यह रिक्वेस्ट करते हुए कि सारे के सारे बच्चे जुड़ जाएं, सारे के सारे संकुल के अध्यक्ष, शालाओं के शिक्षक अपने क्लास के, अपने विषय के बच्चों का ग्रुप बना लें व्हाट्सएप पे और क्लासेस लेना चालू करें। अलग से निर्देश आप सभी को दिए जा रहे हैं। जो संकुल अभी एडमिन नहीं पाए हैं, अपने बीओ से कांटेक्ट करके अपने आप को एडमिन के रूप में जोड़ लें और नीचे की मॉनिटरिंग आप प्रॉपर करेंगे। तो मेरी ओर से मित्रों बस यही है। मैं फिर से पूरे विभाग की ओर से आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा कार्य आप लोगों के साथ मिल करके विभाग ने किया है, जिसकी सब तरफ भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। और यह जो अभियान है ये बहुत सफल होगा, बट इसके सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जो भूमिका है, मेरा मानना है कि प्रोग्राम को बनाने से ज्यादा उसके उपयोग करने पर यह निखरेगा। और इसको निखारने का जो दायित्व है वो आप पर, पालकों पर और क्लास के बच्चों पर है। तो इसकी गंभीरता को आप समझेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इस संदेश को लिखा है कि हमारे यहाँ यह व्यवस्था चल रही है, तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि हम इसकी ऑडिट भी कराएंगे आगे चल के। मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हम इसकी ऑडिट कराएंगे कि हमारे अलग अलग संकुलों पे, जो संकुल प्रभारी हैं या अलग अलग शालाओं पे, यह व्यवस्था कैसे चल रही है, इसका आकलन भी समय पर किया जाएगा। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका लाभ आप बच्चों को दे सकें। एक साथी हमसे पूछना चाह रहे थे कि जिन बच्चों के पास में मोबाइल फोन नहीं है वह क्या करेंगे। बड़ा जेन्युइन प्रश्न है। इसमें देखिए, जिन बच्चों के पास में मोबाइल फोन नहीं है वो अपने साथी जो दोस्त हैं उनके साथ में जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। आगे चल के हम कोशिश ये करेंगे कि अधिकांश स्कूलों पे कंप्यूटर्स और बाकी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, तो ऑनलाइन भी यह क्लासेस स्कूलों पे हो जाए वह व्यवस्था भी हम करेंगे। तो मेरी ओर से बस इतना ही। सुधीश, नहीं मैंने पर्याप्त बोल लिया कि और कोई पॉइंट छूट गया है? सर, आपने सर काफी मतलब इस योजना से रिलेटेड जितनी चीजें सीएसई तक जानी चाहिए वो बहुत अच्छे से सभी को समझाया सर। आपको काफी इसके लिए धन्यवाद सर, आपने इतना चलिए, टाइम सभी को दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी योजना है और आप सभी से अनुरोध है कि अब इसके आगे कोई तकनीकी प्रश्न है, उन प्रश्नों का जो सुधीश से और हमारे विशेषज्ञों से आप पूछ सकते हैं। कुछ जगहों पे नेटवर्क संबंधित इश्यूज हैं, ऐसा एक दो दोस्त लोग फ्लैग कर रहे हैं। ये समस्याएं अस्थाई हैं। देखिए, अलग अलग कंपनीज हैं, जियो, एयरटेल, सभी डाउन लेवल तक पहुंच रही है। थोड़े दिनों में मुझे और मेरा मानना है कि भारत नेट है, अलग अलग नेटवर्क सिस्टम है कि सभी जगहों पे, कुछ दो चार जगहों को छोड़ दें तो नेटवर्किंग की व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी। और ये योजना सिर्फ अप्रैल महीने के लिए या मई महीने के लिए नहीं है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि यह योजना प्रारंभ हुई है, यह कोरोना तो चला जाएगा, हम सब मिलकर उसे भगाने में कामयाब होंगे, बट उसके बाद यह सालों साल चलेगी और इसका नेतृत्व आप लोगों के हाथों रहेगा। हम तो विभाग में कुछ दिन के लिए आए हैं, चले जाएंगे, बट इस योजना को आपको आगे लेकर के जाना है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू धन्यवाद सर। तो साथियों, अभी जी। आपने सुना आदरणीय जितेंद्र शुक्ला सर को, जो कि विभाग के प्रमुख मतलब लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक हैं, वहां से पूरा प्रबंधन का जिम्मेदारी देखते हैं। इसके बाद एकेडमिक चीजों में जो एससीईआरटी है उनके भी संचालक हैं, और समग्र शिक्षा जहाँ से रिसोर्सेस आते हैं, तीनों प्रमुख संस्थाओं के संचालक महोदय से आपने अभी इस योजना के बारे में सुना, और आपने भी कुछ
चीजें जो रेस की हैं कि नेटवर्क वाला प्रॉब्लम, तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि हम में से किसी को नहीं मालूम था कि अचानक इस प्रकार का कोई आपदा आएगी जिसमें हम लोग सभी को लॉकडाउन होना पड़ेगा। कोई पहले से तैयारी की हमको टाइम नहीं मिला था, लेकिन इतनी जल्दी इतने तेजी से सभी ने मिलकर आप सभी के सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। और जैसा सर ने अभी अपने उद्बोधन में कहा कि ये योजना केवल कोरोना लॉकडाउन तक नहीं रहेगी, इसकी शुरुआत होने के बाद राज्य में जितने अच्छे टीचर्स हैं उनकी कक्षाएं होंगी। तो अभी जो एक मुख्य बिंदु टेक्निकल इशू जिसके लिए आप सभी को बुलाया गया, सर ने वैसे काफी सभी चीजें कवर कर ली हैं। एक जो अभी हम लोगों को ध्यान देना है, कल जिसको पूरा करने की कोशिश करनी है, वो ये है कि हम एक वर्चुअल क्लासरूम बना रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम यानी जैसा हम और आप अभी मिले हुए हैं, वैसे स्कूल में न तो टीचर जा पाएंगे न बच्चे जा पाएंगे, तो घर में बैठकर टीचर अपनी क्लास लेंगे जैसा वो स्कूल में लेते थे, और बच्चे घर में रहकर उस क्लास को अटेंड करेंगे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए सभी टीचर्स को ये करना है, उनके स्कूल के साथ उनको जो टीचर्स पंजीकृत थे, तो हम लोगों ने राज्य स्तर से ही उनको उनके स्कूल में ग्रुप बना दिया। कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि दूसरे स्कूल के टीचर्स भी जुड़ गए हैं इसमें, तो कई बार इधर से उधर ट्रांसफर होता है या डाइस में एंट्री में गड़बड़ होने से एक स्कूल में यदि कोई दूसरे टीचर दिख रहे हैं, तो उससे अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मान के चलें कि आपके स्कूल में एक एडिशनल टीचर है, एक बार व्यवस्था पटरी पे आ जाएगी तो इन सब चीजों को भी हम लोग सुधार पाएंगे। तो उस चीज पे ध्यान ना देते हुए सबसे महत्वपूर्ण काम हमको ये करना है कि आप अपना जो वेबसाइट में लॉग इन करेंगे, सबको मालूम है लॉग इन कैसे करना है, आपका पासवर्ड कहाँ पर है। वो लॉग इन करने पर जब आप शिक्षक के रूप में लॉग इन करेंगे, तो आपको एक बना बनाया ग्रुप उसमें दिखाई देगा। उस ग्रुप में आप होंगे और आपके स्कूल के एक दो टीचर होंगे। अब आपको ये करना है, कल उसकी अंतिम तिथि मान लेते हैं हम, कि आपके स्कूल में जितने विद्यार्थी हैं जिनके पास मोबाइल नंबर है और जिन लोगों ने पंजीयन, 12 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीयन किया है, तो आपके स्कूल के जितने भी विद्यार्थी जिनके मोबाइल नंबर आपके पास है, आप बॉक्स में उन मोबाइल नंबर को यदि दबाएंगे एंट्री करेंगे, तो आपको उस बच्चे का प्रोफाइल दिखेगा। आप ये देख पाएंगे कि ये वही बच्चा है जो आपके स्कूल में पढ़ता है, तो आप उसको क्लिक कर देंगे, तो आपके स्कूल में, वर्चुअल स्कूल में वो जुड़ गया। उसी प्रकार जितने भी बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है, उन बच्चों के नंबर बस आपको क्लिक करना है, कोई दूसरा एंट्री, नाम, कक्षा, आयु कुछ एंट्री नहीं करना है, केवल मोबाइल नंबर जो आपके हाथ में हो उसको आप यदि एंट्री करेंगे और बच्चे का विवरण आप देखेंगे और सही पाएंगे, तो उसको कर सकते हैं। इसमें जो आज दिन भर में जो कॉल आए हैं, दो तीन चीजें उसको भी मैं जल्दी बता देता हूँ। अभी जो एग्जिट क्लास के बच्चे हैं हमारे स्कूल में, जैसे यदि प्राइमरी स्कूल है तो 5वीं हमारा एग्जिट क्लास है, मिडिल स्कूल है तो 8वीं हमारा एग्जिट क्लास है, तो ऐसे क्लासेस में हमको ये नहीं मालूम होगा कि 5वीं का बच्चा 6वीं कौन से स्कूल में जाएगा। आमतौर पे दो प्राइमरी स्कूल के बीच में एक अपर प्राइमरी होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा उसी अपर कैचमेंट एरिया के स्कूल में जाए। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस प्रकार के जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें आप अभी उनको उसी क्लास में रखें। अभी वर्तमान में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जिस क्लास में जो बच्चा है उनकी जितनी कॉम्पिटेंसीज हैं उसको, बेसिक कॉम्पिटेंसीज को सुधारते हुए चले, क्योंकि अगली क्लास में जाने के लिए जो सीढ़ी है उसको चढ़ने के लिए जो पुराने क्लास की चीजें हैं उसको अभी हम बराबर करते चले, क्योंकि अभी जो क्लासेस नहीं हुई है उसके नुकसान की भरपाई हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथियों, कल हमारा टारगेट ये रहेगा, एक संकुल समन्वय के रूप में यदि मेरे पास 18 स्कूल हैं, ऑन एन एवरेज छत्तीसगढ़ में हर सीएससी के पास 18 स्कूल हैं, तो कल आपको ये करना है कि जो 18 स्कूल आपके संकुल के भीतर में हैं उनके साथ चर्चा करके उनको ये निर्देशित करना है, ये प्रेरित करना है कि वो उनके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको वो अपने स्कूल में जोड़ ले, ताकि एक वर्चुअल क्लास बन जाए। उसके बाद इसमें जो सुविधा दी गई है आपको, वो ये है कि आप रोज अपने विद्यार्थियों को
कुछ असाइनमेंट या गृह कार्य दे सकते हैं। विद्यार्थी अपने मोबाइल में उस गृह कार्य को देखकर, अपने कागज में उसको लिखकर, मोबाइल से फोटो खींचकर वापस अपने टीचर को दे सकते हैं। टीचर अपने स्क्रीन में उस असाइनमेंट को, बच्चे के कार्य को देखकर स्क्रीन में ही गोला या राइट या टिक लगाकर उसको फीडबैक देते हुए वापस बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। हमको ना घर से निकलने की जरूरत है, ना बच्चे को बाहर निकलने की जरूरत है। पूरी प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि दोनों एंड में टीचर और बच्चे बैठकर एक वर्चुअल क्लास का आनंद ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। साथियों, ये प्रक्रिया हमको तुरंत शुरू करनी है, इसलिए आज ये बैठक बुलाई गई है। तो आपको अपने संकुल के सारे स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम बनाना है और वहां पर जितने भी विद्यार्थी जिनके पास, पेरेंट्स के पास मोबाइल है, उन मोबाइल नंबर को अपने स्कूल के इसमें जमा करना है। और जरूरी नहीं है कि स्कूल में, मान लीजिए यदि सिंगल टीचर स्कूल है और आपके संकुल के कोई अच्छे टीचर हैं, जैसे यदि मैं एक संकुल समन्वयक हूँ और मुझे मालूम है कि भाषा, गणित, विज्ञान वगैरह में मेरे संकुल में ये 3-4 टीचर बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे वो टीचर अपने संकुल की सारी शालाओं में उनकी क्लासेस लगे। तो इस तरह से लोकल लेवल पे आपको मैनेज करना होगा और नियमित रूप से क्लास चलानी होगी। साथियों, सर ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, केवल क्लासरूम ऑनलाइन लेना इस वेबसाइट का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। इस वेबसाइट से बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे आप इसमें वीडियो देख सकते हैं, TLM देख सकते हैं, रोचक गतिविधियां देख सकते हैं, ऑडियो से भी पार्ट आप ले सकते हैं। इस प्रकार के काफी चीजें आप अलग अलग तरीके से अपने विद्यार्थियों को जोड़कर कर सकते हैं। और इसमें एक सुविधा यह भी है, जैसा सर ने बताया कि कौन से स्कूल में कौन से टीचर ने कितनी क्लास ली, कितने बच्चे उसमें उपस्थित हुए, ये आपको एक संकुल समन्वयक के रूप में रिपोर्ट्स मिलेगा। और स्टेट लेवल पे आदरणीय संचालक महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, सभी को ये रिपोर्ट दिखाई देगा। जैसे मैं आज शाम से लगातार थोड़े थोड़े देर में मैं आपको रिपोर्ट दे रहा था कि अभी 1234 CSE बचे हैं, एक घंटे के अंदर 1035 हो गए, फिर 700 हो गए, 600 हो गए। इस प्रकार से लगातार हमारे संकुल समन्वयक साथी इसमें जुड़ते जा रहे थे। तो उसी प्रकार से आप ये मान के चलिएगा कि ये एक इतनी सशक्त प्रणाली है जिससे कोई भी संकुल या कोई भी शाला ये नहीं बोल पाएगी कि मैंने क्लास लिया। उसके पूरे एविडेंसेस आपको दिखाई देंगे कि कितने लोगों ने कितने बजे ऑन किया, कितने विद्यार्थी उस क्लास में जुड़े, ये सारी चीजें ऊपर लेवल पे और सारे लेवल पे दिखाई देगी। कितने टीचर्स ने असाइनमेंट दिया, असाइनमेंट को कितने टीचर्स ने जांचा, ये सारी रिपोर्ट्स हर लेवल पे आपको दिखाई देगी। ऐसा सुदृढ़ व्यवस्था मेरे ख्याल से हमारे नियमित क्लासरूम में भी संभव नहीं हो पाती, क्योंकि आप सभी बहुत साल से संकुल समन्वयक हैं, आप इतने तगड़ी रिपोर्टिंग आपने नहीं देखी होगी। तो ये पूरी मशीन से हम लोगों को रिपोर्ट मिलेगी, आप लोगों को रिपोर्ट मिलेगी कि आपके संकुल में कितने टीचर्स ने कितने बजे कितने देर तक क्लास लिया, ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से इस माध्यम से मिल चलेगी। इसीलिए हम लोगों ने, जैसा आदरणीय संचालक महोदय ने बताया कि ये योजना जो है ये केवल कोरोना के अवधि में नहीं चलेगी, बल्कि इसके बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको नियमित रूप से चलाएं। जैसे आप लोग यदि संकुल की मासिक बैठकें लेते हैं तो बैठक के नाम पर अब क्लास से छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, हम जब चाहें अपने संकुल के सारे टीचर्स को, जैसा हम लोग अभी बैठ के 500 लोग चर्चा कर रहे हैं, वैसे आपके संकुल के 50 टीचर्स को आप बुलाकर इस प्रकार की बैठक जब चाहे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से काफी सुविधाएं और रोज नया सीखने मिल रहा है और नया सीखकर नया चीजें करके इसमें एप्लीकेशन की सुविधा है। तो जैसा भी होगा हम लोग कोशिश करके इसको अच्छे से बनाएंगे। हमारे साथ में अभी और हमारे साथी जुड़े हुए हैं जो इस प्रोजेक्ट से हैं, मैं इसके बाद आदरणीय सोम सर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो सुदेश, थैंक यू। हमें NIC के माध्यम से पूरा तकनीकी सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने कुछ बातें इस योजना के संबंध में रखेंगे। इसके बाद सत्यराज जी तैयार रहेंगे क्योंकि वो इस बारे में पूरा पाठ कैसे पढ़ाना है
उसके बारे में वो अच्छी जानकारी देंगे। सोम सर। हेलो, मेरा नाम सोम शेखर है, मैं सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर हूँ एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अभी इसमें टेक्निकल में वैसे हमारा प्रमुख सचिव साहब खुद टेक्नोक्रेट हैं, वो खुद प्रोग्रामिंग करते हैं, उनका गाइडेंस में हम एक बहुत बहुत बड़ा टीम मेरा बहुत कम समय में बना ग्रेट होके 10 भी नहीं हुआ। ये एक्चुअली लॉकडाउन में स्कूल्स बंद हो गया, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं एक चीज बताऊं, आप सब लोग मिलके विभाग इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बना दिया और इस अपॉर्चुनिटी से ऐसे एक सिस्टम बना दिया, सो पूरा अभी भारत में सब लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को, भाई इतना कम समय में इतना बड़ा सिस्टम कैसे इन लोग कर पाया। प्लस कर पाना एक बात है, उसका इस्तेमाल करना, मतलब विद इन डेज लाखों लाख से ज्यादा टीचर्स एंड 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें रजिस्टर हो गए, यूटिलिटी भी बहुत अच्छा है, ये एक चीज है। लेकिन ये सिर्फ लॉकडाउन पीरियड, ये कोरोना का टाइम में हम लोग स्कूल्स बंद हैं इसलिए हम लोग ये ओपन किया, ये नहीं है। अभी जो यूज हो रहे हैं इससे ज्यादा अच्छा बेटर यूज होगा जुलाई 1 के बाद। काइंडली ये मत समझिए कि ये एक रिप्लेसमेंट है जो नॉर्मल स्कूल्स का नहीं, ये नॉर्मल स्कूल्स में अभी तक जो चल रहा था उसका यूज करेंगे, दैट इज आइडिया जुलाई के बाद से। और ये सबको पता है कि, और आप लोग जो बहुत लोग डाउट्स ये है कि सबके पास मोबाइल नहीं है, सब जगह नेटवर्क नहीं है, बहुत सारा इस टाइप का समस्या है। कभी भी कहीं भी 100% हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने लोग के पास मोबाइल है जहां जहां नेटवर्क है, और व्हाट्सएप और गाने तो बहुत चल रहे हैं, और कुछ पढ़ाई भी इस माध्यम से चल सकता है क्या, ये आइडिया है। और एक चीज, ये जो पहले हम लोग सोचा है कि स्टूडेंट्स रजिस्टर हो जाएगा, टीचर्स रजिस्टर हो जाएगा, लेकिन हम ये जो रिस्पॉन्स हम लोग को मिला और हजारों वीडियोस और हजारों क्लासेस जब चलेगा, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी वीडियो देखना है। इसलिए हम लोग एक ग्रुप का कॉन्सेप्ट रखे हैं, वर्चुअल स्कूल्स बना है। वर्चुअल स्कूल मतलब जैसे अभी सुधीश जी बता रहे थे आपको, आपका एक फिजिकल स्कूल का जो टीचर्स हैं वो अपना बच्चे को ऐड करके बना देगा, और वो टीचर्स तो पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन में, ठीक है, लेकिन इससे फायदा ये है, एक्चुअली फायदा तब है। वैसे तो वो टीचर वो स्टूडेंट्स को अभी भी पढ़ा रहे हैं क्लास में, एज ए संकुल लेवल आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपको मालूम है कि मेरा 10-15 स्कूल्स में ये आदमी बढ़िया अंग्रेजी पढ़ाता है, नहीं तो ये आदमी ये टीचर जो है बहुत हिंदी का कविता सुनाते हैं। आप उसका उसका जो अच्छा अच्छा चीज को आप उसी क्लास को सीमित नहीं करने का, आपको जितना भी क्लासेस हैं उसमें आप उसका एडवांटेज दे सकते हैं, दैट इज द आइडिया ऑफ इट। संकुल लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में या ब्लॉक लेवल में एक सब जगह होता है, ये चैप्टर ये सर अच्छा पढ़ाता है, नहीं तो उस अच्छा पढ़ाने का उसी क्लास को अभी सीमित है, लेकिन इस माध्यम से हम लोग ज्यादा लोग को कर सकते हैं, ये आप लोग अच्छा मैनेज कर सकते हैं। इसमें तकनीकी समस्या शुरू शुरू में बहुत आएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये बना है और समस्याएं तो आते रहेगा। सो कल से आपको वेबसाइट में एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, और बेटर ये है कि ईमेल आईडी में ईमेल में आप जो समस्या है वो लिख लीजिए, जब समस्या लिखते समय जिस टीचर को वो समस्या आया वो मोबाइल नंबर जरूर लिखना, और इसलिए विदाउट दैट मोबाइल नंबर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर व्हाट्सएप में भी भेजेगा तो उस मोबाइल नंबर जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्या समस्या आ रहा है, और ये जनरल सब लोग को आ रहे हैं तो वो भी लिख लीजिए कि भाई ये सब लोग को आ रहे हैं करके, एक सैंपल जरूर दीजिए कि ये मोबाइल नंबर से हम लोग किया है करके। ये सिर्फ ये जो ऑनलाइन पढ़ाने का बात है, जैसे सर भी बोला है, सुदेश भी बोला है कि एक छोटा सा पार्ट है इसमें, स्टूडेंट से असाइनमेंट्स को करेक्ट करना, असाइनमेंट्स को देना, उन लोग फोटो अपलोड करना, उसको करेक्ट करना, ये जो साइकिल है नॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में भी इससे चलेगा, और आपको अच्छा आपको एक सुविधा मिलेगा, अभी आपको यू बी सरप्राइज्ड है। अभी कोई बच्चा का असाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए टीचर को प्रिंट लेने का जरूरत नहीं, सिर्फ मोबाइल में देखेगा, मोबाइल में ही जैसे इमोजी हम लोग डालते हैं ना, वैसे टिक इन टू कमेंट्स वगैरह लगा सकता है, मार्क्स देके उसको सबमिट कर सकता है। मतलब कहीं कहीं जाते समय भी वो चेक करके, बस में ट्रेन में कहीं भी चेक करके वो भेज सकता है। इस टाइप का सुविधाओं के साथ ये आ रहे हैं।
और मतलब ये अभी आप समझ लीजिए कि 25-30% का काम हुआ और 75% सोच रहे हैं सचिव महोदय। और मैं सुधीश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा लिए इतना ही है, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। इसके बाद हमारे बीच में सत्या जी हैं जो पिछले कई दिनों से बहुत सारे टीचर्स के साथ क्लास ले रहे थे, लेकिन उनके द्वारा जब काम करने पे ये समझ में आया कि एक बार क्लास जब कोई टीचर लेता है तो उसमें 80 से 100 बच्चे जुड़ पाते हैं, जबकि हजारों की संख्या में बच्चे उन क्लासेस को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए ये जो नई व्यवस्था बनाई गई है, हर स्कूल के बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। तो मैं अब क्लासेस कैसे लेना है और किस प्रकार की व्यवस्था करनी है, और यदि एक घर में कई क्लासेस के बच्चे हो और एक ही मोबाइल से करना हो तो संकुल लेवल पे और स्कूल लेवल पे किस प्रकार से माइक्रो प्लानिंग करनी है ताकि सभी बच्चों को फायदा हो। और एक और प्रमुख बात कि हम इस पूरे जो क्लास ले रहे हैं उसमें पेरेंट्स का मोबाइल का डाटा यूज हो रहा है, तो मेरा हम आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि इस बारे में संवेदनशील रहें और जो भी मिनट टू मिनट हम क्लास लेने जा रहे हैं उसमें कोशिश ये करें कि कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, अच्छे से तैयारी हो क्लास लेने का, ताकि जितना डाटा हम बच्चे का उपयोग में ला रहे हैं उस डाटा के बदले में बच्चे को कुछ अच्छा मिले। तो ओवर टू सत्या। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सुधीश सर, थैंक यू सोम सर, जितेंद्र सर अगर आप कॉल पर हैं तो थैंक यू वेरी मच आपको भी। मैं बहुत टाइम से चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, काफी सारे प्रश्न आए ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 मिनट में इन सब प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। और साथ में कुछ ऐसे साथी भी हो सकते हैं जो शायद चैट बॉक्स में टाइप ना कर पा रहे हो, तो सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ 5-6 लोगों का माइक एक एक करके हम ओपन कर देते हैं ताकि उनके भी सवाल हम ले लें। अगर किसी के कुछ सवाल हैं जो अब तक हमने उत्तर नहीं दे पाए हैं तो आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, एक एक करके फिर हम उन लोगों का माइक खोलेंगे अगले 5 मिनट के लिए। अपने स्क्रीन के सामने आप हाथ उठाइएगा, जितने लोगों को हो सकता है हम अगले 5-6 मिनट के अंदर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं दिया गया है या कुछ ऐसी समस्या है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं तो आप अभी बता सकते हैं। ओके, आपका नाम होना चाहिए आपके इस पे मुझे। ओके, वीवो 1716 करके एक दिख रहे हैं सर, आप बताइए। ठीक है सरकार जी, बताइए आपका शुभ नाम और क्लस्टर बताइए। बीक के सरकार संकुल गुड़ियारी जी, बताइए। हाँ सरकार जी, सवाल पूछे यदि आपके पास कोई सवाल है गुड़ियारी से। ये टाइप नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ कहाँ। नहीं आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज हम लोग सुन रहे हैं। जिन लोगों को सर अभी मोबाइल नहीं है उसके बारे में क्या किया जाए? ठीक है, और पहले हम ठीक है सर, आपका सवाल ले लिया गया। और ऐसे कुछ सवाल हैं तो प्लीज पूछते जाइए, फिर हम एक एक करके फिर एक साथ जवाब दे देंगे ताकि क्वेश्चंस जो है रिपीट ना हो, सबका समय भी बच जाए। और कुछ सवाल किसी के कुछ है तो हाथ उठाइए। दिलेश्वर जी बताइए। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक टीचर पूरे संकुल के आपके पूरे संकुल के बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं? कि जैसे मान लो एक स्कूल में है एक शिक्षक, तो वो पूरे संकुल को कैसे मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ संकुल के सभी बच्चों तक उसकी बातें जाए? जैसे मैथ के एक बहुत अच्छे टीचर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि संकुल के पूरे बच्चे उसमें क्या कहते हैं उसकी उनकी बातों को सुने सर। ओके, थैंक यू दिलेश्वर जी। और किसी के कुछ प्रश्न है हाथ उठा सकते हैं स्क्रीन के सामने। मुझे एक टाइम पे 20-30 लोग ही दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप अपना हाथ उठाए रखें तो मैं जैसे स्क्रीन शिफ्ट करूंगा मैं आपको भी देख पाऊंगा। हाँ कमता तिवारी जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है कमता जी। हाँ सर, हाँ जी बताइए। हाँ, प्रत्येक टीचर को यहाँ पर सर एड करना है बच्चों को, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एक स्कूल में जितने भी हमारे टीचर हैं वो एक साथ तो ऐड होंगे ही होंगे, सभी बच्चों को एक साथ ऐड कर दें ताकि वो शिफ्टिंग हर टीचर को उसको करने में प्रॉब्लम ना हो, नंबर उसको भी दें इसको भी दें बोल के इस टाइप की समस्या ना आए बोल के सोच रहे थे। ओके, और 3-4 सवाल ले लेते हैं जी, बताइए विकास जी बताइए। सर नमस्कार सर,
नमस्कार। मैं संतोष सरेपाली रायगढ़ से हूँ। सर अगर सी एस सी हम जैसे मेरे यहाँ 15 स्कूल है, 15 प्राइमरी और 6 मिडिल स्कूल है, सर कि सी एस सी सभी ग्रुप में हो जाए और सी एस सी के माध्यम से एक टाइमिंग लिमिटेशन कर कर एक एक शिक्षक को, जैसे मिडिल स्कूल में 6 विषय के लिए 6 शिक्षक अलॉटमेंट कर दे और उन्हीं का क्लासेस सभी जगह टेलीकास्ट करवाया जाए। प्रत्येक स्कूल में टीचर भी ऐसे कम है सर। ओके थैंक यू जी। अजय कुमार जी बताइए। हेलो जी बताइए। सर मैं राजनाथ जिला कासखंड मंत्री संकुल केंद्र कोराचा से बोल रहा हूँ। नमस्कार। आवाज आ रही है सर जी? बताइए। मेरा संकुल क्षेत्र ऐसा है सर जिसमें पूरे क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है। मेरा संकुल का जो एरिया है उसमें कहीं पर भी कोई भी टावर का नेटवर्क नहीं है। समस्याएं होंगी सर। ओके भूपेंद्र जी। रमेश कुमार जी बताइए। हाँ सर, मेरे यहाँ क्या है, अधिकांश टीचर जो है डाटा के बारे में बोलते रहते हैं सर कि डाटा हम कहाँ से लाएं या पालक कहाँ से लाएं। तो मेरा कहना ये है सर कि एक आदेश निकलना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार का कार्य करना है तो उसमें डाटा की बात नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है। तो अंतिम के हमारे पास 8 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं ये 8 मिनट में से 5 मिनट बोलना चाहूंगा, उसके बाद फिर कुछ समराइज कुछ छूट गया हो तो सर सोम सर भी हैं, सुधीर सर भी हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो अजय भी है जी। अजय आप हैं? अजय अजय वर्मा, अजय आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, तो आप एक बार अनम्यूट करके चेक कर लीजिए माइक काम कर रहा है नहीं। ओके हेलो। हाँ अजय काम कर रहा है ना? हाँ सर ठीक है। ओके ओके हाँ सर बने। ठीक है आप भी बने रहिए। ओके तो जैसा अब तक सर ने बताया कि किस प्रकार से हम लोगों ने पूरा पोर्टल में व्यवस्था की है कि जितने भी शिक्षक हैं जितने भी विद्यार्थी हैं उसका लाभ ले पाएं, और हमारा पोर्टल जो बना है हम सभी शिक्षकों के लिए और सभी विद्यार्थियों के लिए, ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे बढ़कर है। जितने भी कंटेंट हैं वो MP4 हो सकते हैं या फिर जितने भी वर्कशीट्स हैं इमेज फॉर्मेट में या फिर जितने भी पॉडकास्ट हैं MP3 फॉर्मेट में और इस प्रकार के जितने भी सिमुलेशंस हैं 1 से लेके 12वीं तक के लिए यहाँ पर कंटेंट अपलोड होना शुरू हो गया है और काफ़ी सारे कंटेंट रिव्यू भी हो गए हैं। कॉल के शुरुआत में शुक्ला सर ने यह भी बताया था कि किस प्रकार से रिव्यू का प्रोसेस चल रहा है, तो जैसे जैसे रिव्यू प्रोसेस में से कंटेंट जितना अच्छा कंटेंट हमें मिल रहा है और उनका अप्रूवल भी किया जा रहा है पोर्टल पे दिख रहा है वैसे वो कंटेंट बच्चे भी देख पाएंगे। सर ने ये भी बताया था कि कुछ कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो बहुत ही लिमिटेड टीचर्स हैं जो शायद मिस्टेक से कुछ गलत कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसे कंटेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ भी पोर्टल पर नहीं जा रहे हैं, ये सारे हमारे रिव्यूअर्स के पास जाएंगे और रिव्यूअर्स इसको डिलीट कर देंगे और नहीं इसको पोर्टल में जाने देंगे। तो यदि कोई पेरेंट्स आपसे पूछेगा कि कुछ कंटेंट हम लोग कैसे निश्चित कर पाए कि कंटेंट जो भी आ रहा है सही है नहीं है, तो आप सुनिश्चित रहिए कि सारे कंटेंट रिव्यू होकर ही पोर्टल पर दिखाई दे रहे हैं। और चौथा पॉइंट, जैसे ऑनलाइन कक्षाओं की बात हो रही थी, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जूम को लेकर के काफी सारा विवाद चल रहा है कि सिक्योरिटी ऑप्शंस नहीं है तो क्या करें, इसमें बहुत सारे हैकिंग वगैरह हो रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि हमने जब से पोर्टल शुरू किया है इसमें विकल्प काफी ओपन रखा है कि कोई भी शिक्षक किसी भी माध्यम से, या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहे स्काइप हो चाहे हैंगआउट हो गूगल का मीट हो, इस प्रकार के जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस है उसको रख करके ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे भी शिक्षक है जिनको परमिशन दी गई है स्टेट लेवल से कि वो अपने आप से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो ये शिक्षक अपने साथ जितना हो सकता है बच्चों को जोड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक वीडियो कॉल में 100 बच्चे तक मैक्सिमम जोड़ सकते हैं और ये क्लासेस जितना मर्जी चाहे टीचर ले सकते हैं पूरे हफ्ते भर में। साथ में हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि हमारे पास कुछ ऐसे राज्य में अच्छे शिक्षक हैं जो एक रेगुलर क्लास ले सकते हैं, तो प्रयास ये भी रहा है कि SCERT के साथ हम मिलकर एक सेंट्रलाइज्ड ब्रॉडकास्टिंग प्लान बना रहे हैं जिसके अनुसार हर रोज
एक कक्षा की एक विषय ली जाएगी, यानी कि कुल एक दिन में आपकी 10 कक्षाएं होगी। तो अगर एक से लेकर 12वीं तक की कक्षा है और अगर हम उस सारी कक्षाओं के जितने भी विषय कवर करना चाह रहे हैं तो उन सभी कक्षाओं के लिए हर रोज एक एक सब्जेक्ट जो है लिया जाएगा ऑनलाइन। ये ध्यान में रख करके हमने किया है कि एक दिन में एक ही विषय हो, क्योंकि काफी लोगों के पास डेटा की अनुपलब्धि है, नेटवर्क कवरेज नहीं है। तो इसलिए सिर्फ 40 मिनट का क्लास रहेगा जिसमें हर रोज वो कक्षा का बच्चा जुड़ेगा और जितने भी असाइनमेंट या होमवर्क दिए जाएंगे टीचर्स द्वारा वो लाइव क्लासेस के दौरान भी दिए जा सकते हैं। प्लस जितना सेशंस अगर कोई बच्चा अटेंड नहीं कर पा रहा है उस दौरान, तो इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम पोर्टल पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा जितने भी असाइनमेंट्स हैं जैसे सर ने बताया, ये रेगुलरली हम टीचर्स द्वारा पोर्टल पर अपडेट करेंगे। बच्चे अगर इसको सोल्यूशन यानी कि उत्तर देकर पोर्टल पर एक कैमरा से अपने मोबाइल फोन से अगर फोटो लेके अपलोड करेंगे तो इन सारे होमवर्क्स को टीचर्स करेक्शन करके बच्चों तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। साथ में कुछ अभी और ऐसे फीचर्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपकी काफी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, ये मेरा मानना है। कुछ कुछ जगहों पर नेटवर्क का इशू है, कुछ कुछ जगह पर कनेक्टिविटी उतना स्ट्रांग नहीं है, कुछ कुछ लोगों के पास एंड्रॉयड डिवाइसेस भी नहीं है, शायद बहुत लोगों के पास ऐसा सिचुएशन हो भी सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे शुभ समाचार दे पाए ताकि पढ़ने लिखने की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा लोगों तक जा पाए। हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं उनको भी एक ओरिएंटेशन मिल जाए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं लेकिन ऑनलाइन में आके उनको पढ़ाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन लोगों को सेपरेटली एक ओरिएंटेशन दे सकते हैं। जिस प्रकार से हम अभी इस कॉल पे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी आप एक ट्रेनिंग की व्यवस्था कर सकते हैं अपने स्तर पर। और यदि आपको लग रहा है कि कहीं पर भी हमारी आपको जरूरत है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी कोशिश करेंगे जितना हो सके कि आपकी मदद कर पाए ऐसे शिक्षकों के लिए। और साथ में जितने भी पोषक हैं, उनके पालक हैं, उनके जितने भी फीडबैक्स होंगे शायद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि हम उसे भी इकट्ठा कर लें ताकि हम जितना भी पोर्टल को बना रहे हैं ये सारे फीडबैक्स हमें जा करके इन सभी बच्चों को, इन सभी विद्यार्थियों और पालकों के लिए काम आ सके। तो इतना मेरा पॉइंट्स था जो मैंने कह दिया है। और इसके अलावा अगर मेरे से कुछ पॉइंट छूट गया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सोम सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, अजय वर्मा भी जुड़े हुए हैं जो लगातार पोर्टल पे काम कर रहे हैं, आप भी कुछ टेक्निकल इश्यूज बताना चाह रहे हैं तो प्लीज यू कैन चिप इन। थैंक यू। हेलो, एक सज्जन पूछा है कि मोबाइल नंबर्स एक एक करके बच्चा को एंटर करने में डिफिकल्ट हो रहे हैं, ये पूरा बच्चा एक बार आ गया तो हम लोग टिक कर लेंगे करके, बच्चे में कौन सी बच्चा उस स्कूल में है हमें नहीं पता, इसलिए टीचर को मोबाइल नंबर डालना स्टूडेंट को जरूरी है, वो हो नहीं पाएगा। अजय कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ समस्याएं थी नाम बदलने और कुछ चीजों की, जो अजय के पास खबर आ गई थी और अजय ने उन्हें सुधारा है। तो मैं चाहूंगा अजय, जो समस्याएं जिनको आपने सुधारा है और जो सुविधाएं आपने अभी दी है टीचर्स के लिए तकनीकी, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हेलो सर। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं जी। हेलो, हाँ हाँ सुन पा रहे हैं अजय, बताएं अपनी बात। हाँ, मैं अजय हूँ एनआईसी, मैं एक डेवलपर हूँ जो इस वेबसाइट में अगर कोई भी टेक्निकल चीजें की प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं भी आपको अपलोड करने की जरूरत, कहीं भी दिक्कत हो रही हो अपलोड करने में या कोई भी कंटेंट भेजने में या रजिस्ट्रेशन में, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। और अभी कुछ दिनों से मैं एक चीज फेस कर रहा था कि बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है कि लॉग इन करने पे उनको नाम दूसरे नाम दिख रहे थे, इसका सलूशन आज मैंने कर दिया है। अगर किसी को ऐसा हो कि वो लॉग इन कर रहे हो और अपना नाम दूसरा दिख रहा हो तो अभी वो मुझे अपना नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दे ताकि मैं उनको। और एक चीज और, हमने अभी एक नया फीचर इसमें किया हुआ है ग्रुप के लिए, तो जितने आप अपने स्टूडेंट को जोड़ पाए ग्रुप में उतनी ही वो बच्चे उसके एडवांटेज ले पाएंगे पढ़ाई का।
और अभी मैंने एक देखा था कि किसी ने ये सजेस्ट किया कि सारे को एक साथ जोड़ने के लिए, तो उसमें हमें ये दिक्कत आएगी कि अगर आपने मल्टीपल मोबाइल नंबर डाला तो उसमें से कुछ एक गलत मोबाइल नंबर भी उसमें आ सकते हैं जो उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वन बाय वन करने पे आप उनके डिटेल देख पाएंगे और वो सही स्टूडेंट ही आपके साथ जोड़ पाएगा, अदरवाइज कोई एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट ना जोड़ पाए जो हमारे स्कूल का पार्ट ना हो। ओके थैंक यू सुधीर सर। हाँ तो आई थिंक वी आर डन। तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सभी ने समय निकाला। यदि जितेंद्र सर यहाँ पर हैं मीटिंग में तो मैं उनके उनसे परमिशन लेते हुए इस मीटिंग को समाप्त करने की अनुमति लेना चाहूंगा। और आप सभी जो संकुल समन्वयक साथी और भी जो साथी इसमें जुड़े हुए हैं, सोम सर, सत्या जी, अजय, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। लगातार सब लोग रात और दिन मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे संकुल के साथी भी इतनी तेजी से आज रजिस्ट्रेशन किए हैं कि उसको देखने में मजा आ रहा था कि हर थोड़े थोड़े देर में बढ़ रहे थे। और मेरे ख्याल से कल सुबह तक ऐसे क्षेत्र जहां पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है वही बच पाएंगे। अंत में मैं एक दो चीजों पे पुनः प्रकाश डालना चाहूंगा। एक साथी ने ये कहा कि ऐसे स्कूलों में क्या होगा जहां ऐसे बच्चों का क्या होगा जहां मोबाइल नहीं है। तो मुझे याद है कि हम सभी यदि कुछ साल पहले डिपार्टमेंट में कुछ साल पहले से काम कर रहे हैं तो एक इंग्लिश का प्रोग्राम आया था जिसको हम रेडियो से प्रसारित करते थे। तो उस समय केवल एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा हर मीटिंग में शिकायत के रूप में आता था वो ये रहता था कि डबल शिफ्ट वाले स्कूल में बच्चे कैसे सुनेंगे। और डबल शिफ्ट वाला स्कूल मात्र 1.5% था राज्य में और हम 98.5% स्कूलों का ध्यान न देके 1.5% की समस्या हम उठा रहे थे। तो साथियों हम जब इस योजना को ला रहे थे तो उस समय भी हमको मालूम था कि हजारों लाखों की संख्या में बच्चों के पास मोबाइल नहीं होगा और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर नेटवर्क की समस्या होगी। लेकिन अचानक आई इस आपदा का जो हम लोगों को प्रबंधन करना था उसमें यही एक टेक्निक थी जिससे हम कर सकते थे और अन्य राज्यों की तुलना में हम बहुत आगे चल रहे हैं। बाकी राज्य भी हम लोगों से लगातार संपर्क कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसको करना है। तो जितने जगह नेटवर्क है, जितने जगह मोबाइल है, सभी साथियों से अनुरोध है कि इस योजना के माध्यम से उनको अच्छी क्वालिटी कंटेंट हम दे सके ताकि उनको भी ये लगे कि उन्होंने जो इसमें टाइम दिया है, सारे साथियों ने टाइम दिया है, उसका बच्चों के पढ़ाई में फायदा दिख रहा है। तो साथियों अच्छा आप में से कुछ लोग कोरोना के लॉकडाउन का शायद पालन नहीं कर रहे हैं, अजय कुमार डी दिख रहे हैं जो एक साथ तीन चार लोग बैठे हुए हैं, तो सभी से निवेदन है कि अभी कुछ और दिन जो शेष है उसमें सभी नियम का पालन करें और गर्म पानी पिए, अपने आप को स्वस्थ रखें। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद। ओके थैंक यू सुधीर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।